what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा सा एक नाइट क्रीम, जो कि कई लोगों ने यूज किया भी होगा और कई लोग अगर न्यू हैं, अगर वो चाहते हैं कोई अच्छा सा नाइट क्रीम मतलब लेना, तो प्लीज मैं इसे रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि 100% आप इसे लीजिए। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। मुझे इसे यूज करते हुए 15 दिन हो चुके हैं, दैट्स व्हाई मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। एंड हाँ, डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने पैसों से इसे खरीदा था नायका से। तो चलिए मैं अब आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। जी हाँ, ये प्रोडक्ट है ओले का, ओले नेचुरल वाइट 7-in-1 नाइट नरिशिंग रिपेयर क्रीम। सो ये नाइट क्रीम है, इसी की मैंने डे क्रीम भी मंगवाई है। मैंने सोचा नाइट क्रीम एंड डे क्रीम दोनों ही अगर साथ में यूज़ की जाए तो इसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलता है, दैट्स व्हाई मैंने इसी का पेयर मंगवाया है, डे क्रीम वाला भी, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो मैंने सोचा तब तक मैं आप लोगों को इसका एक अपना ओपिनियन, अपना रिव्यू मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। और दोनों ही मैंने साथ में ऑर्डर किए थे, बट क्या पता उसे आने में थोड़ा देर हो गया और 15 दिन हो चुके इसे आए, लेकिन अभी तक डे क्रीम नहीं पहुंची। शायद ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, बट हाँ जैसे ही वो आता है उसे यूज़ करने के बाद देन मैं आप लोगों के साथ उसका भी रिव्यू जरूर शेयर करूंगी। ओके, सो चलिए अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ, नाइट क्रीम के बारे में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसकी प्राइसिंग। इसे मैंने परचेज किया था नायका से एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो है 365 रुपीज, और ये है 50 ग्राम का कंटेनर है, इसमें टब है छोटू सा। ओके, और इसके बैक में क्या लिखा हुआ है मैं फटाफट से आप लोगों को रीड करके दिखा देती हूँ। ओले नेचुरल वाइट ऑल इन वन फेयरनेस नाइट क्रीम, डिस्कवर अ नेचुरल फेयरनेस दैट कीप्स योर keeps you glowing every day with Olay Natural White, okay? और नीचे लिखा हुआ है कि आपके स्किन में क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, इससे आपकी स्किन को क्या क्या हेल्प मिलेगी वो नीचे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है नरिश योर स्किन वाइल यू स्लीप। आप लोगों को पता ही होगा नाइट क्रीम हम किस लिए यूज करते हैं। नाइट क्रीम अगर कई लोग कहते हैं कि डे क्रीम जो हम लगाते हैं वही हम नाइट में क्यों ना लगा लें, कई लोगों का ये भी कहना होता है, क्योंकि हम दो दो जगह पैसे इन्वेस्ट क्यों करें। भैया नाइट क्रीम जो होती है वो अपने हिसाब से बनाई जाती है, नाइट के हिसाब से, डे क्रीम डे के हिसाब से बनाई जाती है, जिसमें SPF भी होता है। ओके, और नाइट में मैं SPF की कोई ज़रूरत होती नहीं है, एंड रात में हम लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें नाइट क्रीम, बिकॉज होता क्या है, देखिए आपका आपकी जो स्किन है वो जितनी जल्दी से जल्दी डे में रिकवर नहीं होती है उतनी जल्दी वो नाइट में रिकवर होती है, बिकॉज रात में आप सोते हो आपके स्किन को एक रिकवर टाइम मिल जाता है बहुत ही अच्छा खासा लंबा सा, और जब आप सोते हो तो आपकी स्किन भी उस वक्त रिलैक्स रहती है, उस वक्त वो काफ़ी तेज़ी से वर्क करती है, आपके हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से वर्क करते हैं उसे रिपेयर करने के लिए। तो उस वक्त अगर आप उसे बूस्ट करें, ये एक बूस्ट करने का काम करती है, मतलब जो नाइट क्रीम्स होती हैं ये बूस्ट करती है आपकी स्किन को और भी तेज़ी से उसे रिपेयर करने में। तो प्लीज़ नाइट क्रीम बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आई, इसीलिए मैं आप लोगों के शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ भी ऐवई मतलब बत्ती दे रही, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पसंद आई है। और मैं आप लोग मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि मैं कुछ भी आप लोगों के सामने फालतू फेक रिव्यू करूँ, जो मुझे पसंद आया है वही मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स। आपको आपके अगर कई लोगों को डार्क स्पॉट्स हो जाते, कई लोगों का ये 90% लोगों की प्रॉब्लम हो चुकी है डार्क स्पॉट्स की, जो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इसके बारे में। तो ये जो होता है डार्क स्पॉट्स बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत आसानी से नहीं जाते हैं, कई सारे रेमेडीज भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं डार्क स्पॉट्स से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर फटाफट से देख लीजिए। और ये जो क्रीम है ये क्लेम करती है कि आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करती है, और हाँ ये विजिबल रिजल्ट्स मैंने देखे हैं 15 दिनों में। यहाँ मुझे चिन पर एक पिंपल हो गया था और उसका मार्क मुझे यहाँ रह गया था,
जब से मैंने इसे यूज़ किया है वो ऐसा समझ लीजिए कि 50% फेड हो चुका है, मतलब कम्प्लीटली नहीं गया है अभी, लेकिन हाँ फेड होता हुआ मुझे, मतलब एक विजिबल रिजल्ट मुझे नज़र आया है। देन या नीचे लिखा हुआ है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आज के ज़माने में। हमारी स्किन जो है बिल्कुल ही मरी हुई सी लगती है, बिल्कुल बेजान सी लगती है, तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आपका इवन एंड लाइटन स्किन टोन, आपकी स्किन को ये इवन आउट करता है। अनइवन स्किन टोन होती है कई लोगों की, उससे इवन करने की ये इवन करने का काम करता है, आपकी स्किन टोन को लाइटन करता है। तो देखिए ऑनेस्टली मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आपको गोरा नहीं करेगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपको ये इस क्रीम को लगा लोगे तो आप गोरे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका नेचुरल कलर कहीं खो गया है तो उससे वापस लाने में आपकी हेल्प करता है, और डेफिनेटली आपके स्किन में फिर इससे आपको नज़र मतलब एक डिफरेंस नज़र आने लगता है। ओके देन ये इसके कुछ बेनिफिट्स लिखे थे और डायरेक्शन लिखा हुआ है, जो कि बहुत आसान है। आपने अपनी स्किन को अच्छी तरीके से वॉश करना, जैन इससे अप्लाई कर लेना है, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा तामझाम करना नहीं है। आपने नॉर्मल पानी से अपने जो भी फेस वॉश है उससे वॉश कर लीजिए, देन उसके बाद इसे लगा कर आप सो सकते हो। ओके तो चलिए मैंने आपको इसकी क्वान्टिटी बता दी 50 ग्राम की, और प्राइसिंग भी बता दी है, तो अब हम इसे ओपन करते हैं। ओके तो इसके अंदर एक छोटा सा टब है, और इसकी अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा टब है, छोटा सा, काफ़ी स्टडी है। आप इसे मतलब काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो आसान से, टूटने फूटने का डर नहीं है। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ये है इसका क्रीम। और एक बात मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एक बात मुझे ये इसकी काफ़ी अच्छी लगी, जो कि है आप इसे थोड़ा भी लेकर, अगर मैंने इतना लिया है तो मेरा हाफ फेस पूरा इससे कवर हो जाएगा, मतलब पूरे हाफ फेस में इससे लग जाएगा, कैसी। और इतनी जल्दी आपके स्किन में पेनिट्रेट होता है, एब्जॉर्ब होता है, कि मतलब चुटकियों में आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और आपको थोड़ा ही अमाउंट लेना है। कई लोग क्या करते हैं कि अरे क्रीम है तो जल्दी बहुत ज़्यादा लगा लो तो बहुत जल्दी असर करेंगी, या फिर हम बहुत जल्दी गोरे हो जाएंगे, इस कारण से वो बहुत ज़्यादा क्रीम थोपते हैं। ऐसा नहीं करना है, 50 ग्राम है मुझे चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है मुझे 1.5 से 2 महीने तक आराम से चल जाएगा, बिकॉज मैंने डे के लिए अलग किया है, नाइट के लिए अलग किया है, तो 50 ग्राम मुझे 1.5 से 2 महीना आराम से चलेगा, अगर हाँ आप अच्छे से यूज़ करते हो तो। अदरवाइज़ आप थोपोगे उससे बहुत सारा ले लेके एक फेस पैक की तरह लगाओगे तो फिर भैया वो 15 दिन भी नहीं चलेगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है इसे, और थोड़ा सा अमाउंट लेने पर ही पूरे फेस पर इतनी आसानी से लग जाता है कि आप लोगों को ज़्यादा क्वान्टिटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ ये अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि हम ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो बहुत जल्दी असर करेगा, ऐसा कई लोगों का माइंडसेट होता है, तो बिल्कुल इसे छोड़ दीजिए। सो गाइज आप लोगों ने इसकी क्वांटिटी देखी, 50 ग्राम है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैंने आप लोगों को दिखाई, प्लस ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। और हाँ, स्पेशली मुझे पता है इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर आने वाला है कि किस स्किन टाइप के लिए है, तो इसके ऊपर मैंने तो अभी तक कुछ नहीं देखा किस स्किन टाइप के लिए है। मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मैं मतलब मुझे तो सूट हो रहा है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ऑयली स्किन वाले भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑयली तो क्या, मैं तो कहूँगी कोई भी स्किन टाइप का पर्सन हो इसे यूज़ कर सकता है, बिकॉज इसे लगाने के बाद ना तो चिपचिपा लगता है, ना तो बहुत ड्राई लगता है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती इसका फील, तो बिल्कुल भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ऑल स्किन टाइप के व्यक्ति इसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही गजब का है गाइस, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारा नाइट क्रीम है। आप लोग इसे ज़रूर लेकर ट्राई करके देखिए, और प्राइसिंग भी यार ठीक ठाक ही है, हम 1000-1500 के भी और इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, या और किसी ब्रांड्स के हम लोग लेते हैं, तो उनके बजाय मुझे ऐसा लगता है एक बार इसे ट्राई करके आप लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए। सो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो, और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे पूछ लीजिएगा, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो मैं वहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। सो गाइज चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के